जाकर देखिए ना, बड़े अंकल को कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे। परेशानी नहीं हो रही आपको? उनका दरवाजा सिवाय बिल्लू के कोई नहीं खुलवा सकता। हमारी तो आवाज भी नहीं जानी ताऊजी को। तो आप बिल्लू को कहें कि वो मना ले जाके उनको। है एक बेचारा बिल्लू कल्ला, अभी वो बैठा हुआ है दाशी के साथ बात कर रहा है। वैसे वो किचन वाली आंटी को ना बड़े अंकल के सामने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तेरी जो किचन वाली आंटी है ना, इसके मुंह के आगे तो खू है। इसको तो पता ही नहीं कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। भाई इतनी मुझे ताशी की शादी की जल्दी नहीं है जितनी जल्दी उसको है कि वो फटाफट पीएचडी करा के मरीख पे भेज दे बंटी को। लेकिन इस वक्त ना मामू की शादी और बंटी को मरीख पर भेजने से ज्यादा जरूरी है कि वो बड़े अंकल ना अपने कमरे से बाहर निकल आए। बेटा परी, उस्तानी तो तेरी मलका दादी खाला है, तो तुम मुझे किस खुशी में पहाड़े पढ़ा रही हो? है मुझे पता है कि कौन सी बात किस वक्त ज्यादा जरूरी है। वैसे बड़े अफसोस की बात है अम्मी जी, सब नाश्ता करके अपने अपने कमरे में घुस गए हैं। नहीं, मेरी रोटी का किसी ने नहीं सोचना। बताएं मुझे, मैं क्या करूं, मर जाऊं? नहीं, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। चुप करना, मुझे बता कि ताशी ने क्या बताया, वो कहां था? वो हाँ, वो उनके दोस्त नहीं अमजद, उसके पास गए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, और मेरी बात सुनिए अम्मी, आप भी ना जरा घरेलू बातें मेहमानों के सामने करने से जितना आप किया करें। हाय, आज क्या हो गया, सारे ही नसीहतें किए जा रहे हैं, सबको दौरा पड़ गया। दौरा मुझे पड़ जाएगा अम्मी जी, अगर 5 मिनट आपने मेरी रोटी का कुछ ना किया तो क्या करूं? शब्बा मुंह सुजाए फिर रही है, मैं रोटी का। ए परी बेटा, ए जी बेटा, तू रोटियां पका दे दो बिल्लू के लिए। परी? हाँ हाँ, तेरी दादी ने कहा था तू बड़ी प्यारी रोटियां बनाती, छोटी छोटी गोल गोल। गोल गोल बात नहीं बनी है अम्मी जी। 5 मिनट बाद ना किचन में आ जाना, परी बोलने की नहीं करने की भी कायल है। ये चीज क्या है अम्मी जी? चुप कर, सानू की लगी रोटी पका रही, तू रोटी खा, गिटके क्यों गिन रहा है? अम्मी, यू आर वेरी स्मार्ट। यस, वेरी स्मार्ट। अम्मी, बहुत भूख लगी है मुझे। चल जा जा। शब्बू ने तो चंगा तमाशा बनाया, पता तो करूं जाके क्या हाल है, सच है कि झूठ है।